जैसा आपको पता है मेरे को हिस्ट्री सबसे ज़्यादा बेकार लगती है, तो स्पेक्ट्रम पढ़ रहा था पहले मैं, एंड मैंने दो तीन लोगों से बात करी, उन्होंने कहा अगर स्पेक्ट्रम अच्छी नहीं लगी तो बिपिन चंद्रा ट्राई कर सकते हो। तो बिपिन चंद्रा आज पढ़ने का टारगेट है मेरा पूरा, लेट्स सी ये टारगेट पूरा हो पाता है कि नहीं। इतना डिफिकल्ट टारगेट तो आज तक सेट नहीं किया होगा मैंने, आई गेस। पूरी बुक पढ़नी है आज बिपिन चंद्रा की, एंड फर्स्ट रीडिंग करनी है, कुछ ज़्यादा याद बात नहीं करना। फर्स्ट रीडिंग में मैंने डिसाइड किया है सिर्फ एक बार गो थ्रू करना है बुक से, थोड़ा टाइम लाइन वगैरह के बारे में पता चल जाए जिससे। और सेकंड रीडिंग में मैंने डिसाइड किया अंडरलाइन वगैरह करना है एंड नोट्स बनाना है थोड़ा थोड़ा, और सर के नोट्स के साथ पढ़ना है सेकंड रीडिंग। सो दिस इज़ माई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड ये है बनाना शेक, ये कैसे बनाना शेक है। फिर मैंने ये बुक पढ़नी स्टार्ट करी एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरे को इतना इंटरेस्ट आएगा इस बुक में, बट काफ़ी कैप्टिवेटिंग स्टाइल में लिखी गई है एंड काफ़ी एंटिसिपेशन के साथ पढ़ने पलट रहा था मैं, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया भी नहीं है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में। मैंने तीन चैप्टर्स पढ़ लिए अभी तक एंड आई एम ऑन फोर्थ चैप्टर, एंड भाई ये तो बुक ख़त्म पता नहीं होगी कि नहीं, बट अभी हम इटली ख़त्म करते हैं। वी मूव फर्दर इनटू द वीडियो, आई वांट टू टेल यू अबाउट एनसीईआरटी डाइजेस्ट बाय दिशा पब्लिकेशन। तो ये टोटल 5 बुक्स का एक सेट देते हैं एंड इसके अंदर पूरी एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी प्लस न्यू एनसीईआरटी कवर की गई है इन अ वन लाइनर फॉर्मेट, मतलब काफी कंसाइज करके दे रखा है। एंड दीज बुक्स आर अ परफेक्ट मिक्स ऑफ ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटीज, मतलब इसमें अलग से न्यू एनसीईआरटी का ही मेंशन कर रखा है एंड अलग से ओल्ड एनसीईआरटीज का भी टॉपिक्स मेंशन कर रखे हैं एंड डिस्क्राइब कर रखे हैं ढंग से। बुक लेते हो तो इसके अंदर एक क्यूआर कोड मिलता है आपको एंड उस क्यूआर कोड को यूज करके आप इनके लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हो एनसीईआरटीज के, एंड 150 आर प्लस के लेक्चर्स हैं जिसके अंदर सारे एनसीईआरटी के टॉपिक्स को कवर किया गया है कॉम्प्रिहेंसिवली, तो वो भी आपको बुक्स के साथ में मिलेगा। तो अगर आपको भी एनसीईआरटीज कंसाइज वे में खत्म करनी है एंड सारी बुक्स ओल्ड प्लस न्यू का बैलेंस लेके चलना है 6 से लेके 12 तक, तो आप इन एनसीईआरटी डाइजेस्ट को यूज कर सकते हो एंड मैं इसकी लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट की, आप वो यूज कर सकते हो। ये बुक काफी यूजफुल है यूपीएससी और स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन के लिए, सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी हम इटली खत्म करते हैं। हाय गाइस, बाहर आ रखा हूँ, थोड़ा जॉगिंग कर लूँ। एंड मेरा एक बॉक्स आया हुआ है तो देखते हैं भाई, मैंने जूते मंगाए थे, थ्रिफ्ट किए थे जॉर्डन्स, एक बार चेक कर लेते हैं सही से फिट आ रहे हैं कि नहीं। ओ भाई धोखा हो गया भाई, ये ओरिजिनल नहीं है यार, टूटा हुआ। एंड वो बंदा वापस भी नहीं कर रहा, अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा उससे ज़्यादा बात करके, बट ये ओरिजिनल नहीं है तो पक्का है। शिट भाई, रेप्लिका भी बेकार है, दर्द हो रहा है भाई पहनने में, क्या करें भाई अब। तो अगर इंस्टा चलाते हो तो इसको रिपोर्ट कर देना एंड मेरे साथ फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करना। चलो गाइस अब वापस से पढ़ते हैं। सेवन चैप्टर्स पढ़ लिए अभी मैंने, थोड़ी नींद आ रही है मेरे को, तो 10-15 मिनट का नैप लूंगा एंड आज पक्का उठ जाऊंगा भाई। अभी 1:09 हो रहे हैं, 1:30 तक उठूंगा, नींद आ रही है थोड़ी सी। क्या मैं 2 बज रहे हैं अभी, थोड़ा सा ज़्यादा सो लिया। दिस चैप्टर 8, क्या ही मस्त चैप्टर है भाई ये बुक का। मेरा चैप्टर 8 खत्म हो गया एंड भाई मेरे को तो मज़ा आ गया। ये द फाइट टू सिक्योर प्रेस फ्रीडम, कुछ याद हो ना हो मेरे को बस, पर ये चैप्टर एपिक था भाई, ये चैप्टर बहुत मस्त था। क्या खत्म हो गया तो मैं पैसे ढूंढ रहा हूँ, कुछ सिक्के वगैरह मिल गए। बॉर्डर पोस्ट मिल लिया, सो एक और चैप्टर कर लिया, प्रोपेगेंडा इन लेजिस्लेचर्स एंड इट वाज अबाउट कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती थी उसके अंदर जो अपने रिप्रेजेंटेटिव थे गोखले और मेहता, इन सब के बारे में था।
एंड मैंने नोटिस किया है कि ये जो बुक है ना, इट इज़ अ बिट सिमिलर टू नदीम हसनैन, अगर किसी ने पढ़ी हो तो, ट्राइबल इंडिया. मतलब नदीम हसनैन सर भी जब एंडिंग करते हैं ना चैप्टर की, तो काफ़ी इमोशनल तरीके से एकदम छोड़ते हैं. मतलब काफ़ी इम्पैक्टफुल तरीके से एंडिंग करते हैं. एंड इसका भी भाई यूजुअली एंड काफ़ी इम्पैक्टफुल होता है. फॉर एग्जाम्पल, 9th चैप्टर का एंड क्या है, दिस डायमंड ऑफ इंडिया, दिस ज्वेल ऑफ महाराष्ट्र, दिस प्रिंस ऑफ वर्कर्स इज टेकिंग इटर्नल रेस्ट ऑन द फ्यूनरल ग्राउंड, लुक एट हिम एंड ट्राई टू एम्यूलेट हिम. एपिक यार, काफ़ी ज़्यादा ही मस्त बुक है. चैप्टर 10 पढ़ेंगे हम, द स्वदेशी मूवमेंट. सो आफ्टर स्टडिंग फॉर 2 more hours मैं थोड़ा थक गया था, तो ऊपर चला गया मैं छत पे एंड थोड़ी सी एक्सरसाइज करी वहाँ जाके. यूजुअली मेरे साथ होता है कि पढ़ते पढ़ते मेरा मन ख़त्म हो जाता है पढ़ने का, बट ये बुक पढ़ने के बाद उल्टा मैं सेल्फ मोटिवेट ही हो रहा था, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग बुक है. तो भाई ये बुक तो आई गेस काफ़ी इजीली पढ़ सकते हो आप, क्योंकि ये खुद ही मोटिवेशन देगी आपको और पढ़ने का. अभी तक महात्मा गांधी नहीं आए थे एंड आने वाले हैं भाई चैप्टर 14 में. एंड भाई क्या एपिक एंट्रेंस है भाई इनकी तो. द स्टेज वॉज द सेट फॉर द एंट्री ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी जी. से फ्रीडम फाइटर्स के बारे में डिस्क्राइब किए जा रहे थे, मेरा मन कर रहा था कि इनके बारे में सेपरेट बुक पढ़ूँ सबके बारे में. चलो भगत सिंह के बारे में सेपरेट बुक पढ़ लूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा उनका पार्ट मेरे को. जो भी था बुक में पार्ट वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था. एंड मेरे को सबसे अमेजिंग बात लगी कि हाउ इंटेलिजेंट एंड नॉलेजेबल ही वॉज, मेरे को नहीं पता था ये सब. सो यार 200 पेज तक पढ़ लिया मैंने एंड इतना पढ़ा है एंड अभी काफ़ी ज़्यादा ही बचा हुआ है. तो नाउ आई विल बी रीडिंग द हिंदू एंड सिंस 1878 इसका नाम भी था भाई बुक में, मेंशन था कि हिंदू में कुछ तो पब्लिश किया था किसी ने, मेरे को याद नहीं. तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया मैंने. वैसे तो अभी मैं कुछ इंटरनेट पे देख रहा होता बट नेट ही नहीं है मेरे पास एंड मोबाइल डेटा भी मेरा काफ़ी पहले ही ख़त्म हो गया था सुबह, कल रात में हो गया था वैसे तो मोस्टली. तो अब यही पढ़ रहा हूँ, कंटिन्यू करता हूँ. टोटल इसमें 500 पेजेस हैं, 200 पढ़ लिए हैं, 50 और पढ़ लूँगा एंड एटलीस्ट ब्रैगिंग राइट्स आ जाएंगे कि आधी विपिन चंद्रा पढ़ ली मैंने. तो ये पढ़ते हैं 250 पेज तक. थोड़ा बोरिंग पार्ट चल रहा है बट ठीक है, पढ़ लेते हैं कोई नहीं. थोड़ा पैट्रियोटिज्म जगाते हैं अंदर का और पढ़ते हैं. गला दर्द हो रहा है थोड़ा, तो पानी गर्म कर लेता हूँ बॉटल में. मैंने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया लास्ट 22 तक एंड बीच में मैंने 2 chapters छोड़ दिए थे क्योंकि मेरे को बोरिंग लग रहे थे वो. ये वाला 17th chapter एंड 16th chapter, प्रिजन मूवमेंट और इंडियन वर्किंग क्लास एंड नेशनल मूवमेंट. तो टोटल कितने पेजेस पढ़े, ये दोनों 10-10 पेजेस के थे, तो मैंने पढ़ा टोटल 283 तक. तो अराउंड 250 पेजेस पढ़े हैं आज. कितने पेजेस हैं, 530 पेजेस हैं. तो 250 पेजेस बचे हैं अभी भी, तो कभी और पढ़ेंगे वो. आज के लिए ख़त्म करते हैं. 12 बजने वाले हैं, फाइनली मेरा मोबाइल डेटा आ जाएगा. आज वाईफाई वाला आया नहीं तो मैं पूरे दिन ही यूज़ नहीं कर पाया हूँ इंटरनेट. ओवर 60% अर्बन किड्स स्पेंड 3 hours डेली ऑन एंटरटेनमेंट एप्स. इसमें मोस्टली सोशल मीडिया है लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एक्सेट्रा. तो अगर आप भी इंस्टाग्राम के कारण अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या फिर आपके पास इंस्टा नहीं है, तो आपको क्या करना है, लेट मी टेल यू द सॉल्यूशन. इंस्टाग्राम आप डाउनलोड करो, उसके बाद उस क्लोजेट को जाकर रिपोर्ट करो एंड देन इंस्टाग्राम डिलीट कर दो.